हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपनी कुर्ती में एक बहुत ही सुंदर ताबीज बना सकते हैं। दोस्तों, ये ताबीज वैसे कॉलर वाली में भी और गोल नेक वाली में भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप अपने ताबीज को कितना खोलेंगे और कितने कपड़े की ज़रूरत होगी, चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ताबीज वाला नेक बनाने के लिए हमने यहाँ पर दो तरीके से अपना कपड़ा लिया हुआ है। एक जो हमने कपड़ा लिया है वो लिया है 2 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा। इस कपड़े में हम अपनी बटन वाली पट्टी बना करके तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमने जो अपना दूसरा कपड़ा लिया है इसमें हम अपनी काज वाली पट्टी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 3.25 इंच चौड़ा कपड़ा लिया हुआ है, मतलब कि 3¼ इंच, और जो लंबाई ली है वो ली है 16 इंच। तो इसको हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे ये जान लीजिए ध्यान से। हम अपनी काज वाली पट्टी को दोस्तों सबसे पहले 1 इंच फोल्ड करेंगे। 1 इंच फोल्ड करने के बाद फिर से एक बार 1 इंच फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, हमारा 1 इंच ऊपर की तरफ तैयार हो गया है और 1/4 इंच कपड़ा बाहर की तरफ आ गया है। तो ये हमारी ताबीज वाली पट्टी बनकर के कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम आपको बताएंगे ताबीज बनाने के लिए आपको अपनी कुर्ती में किस प्रकार से कट लगाना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती है, आज हम आपको इसमें ताबीज बनाना बताएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बिना कॉलर वाली कुर्ती में भी ताबीज को बना सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली अपना एक नेक बना लेना होगा और नेक के नीचे ताबीज बना लेना होगा। ताबीज बनाने का तरीका दोस्तों सेम वही रहेगा जो आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए दोस्तों हमने अपनी सिंपली कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग की हुई है। इसके लिए हमने 3x3 इंच का अपना हाला काटा हुआ है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके बाद दोस्तों हम अपनी कुर्ती को सीधा कर लेंगे। ये हमने अपनी कुर्ती को सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद में देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इसमें कट लगाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान से देखना। हम यहाँ से तिरछा नापेंगे 14.5 इंच पर, यानी कि 14½ पर। ये देखिए, ये हमारी कुर्ती का 20 सेंटर है दोस्तों। 20 सेंटर पे हम इस तरीके से तिरछा नापेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया एक्सल साइज़ के लिए। हम बताते हैं आपको एल साइज़ के लिए किस प्रकार से इसका निशान लगाना होगा। तो ऐसे ही नापेंगे तिरछा और 20 सेंटर पे ही मार्क लगाना होगा। तो एल साइज़ के लिए दोस्तों 13 इंच पर आपको अपना मार्क लगा लेना होगा। तो ये हो गया एल साइज़ के लिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे एम साइज़ के लिए किस प्रकार से मार्क लगाएंगे। तो एम साइज़ के लिए लगाएंगे 11½ पर, यानी कि 11½ इंच पर। तो ये हो गए हमारे 3 साइज। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पर अपना एक्सल साइज़ के लिए कट लगा लेते हैं सीधा सेंटर में। अब चलिए मशीन पर हम आपको ताबीज बनाना बताते हैं। तो दोस्तों, ताबीज बनाने के लिए हमने जो अपनी ये दो पट्टियाँ लिए हैं इनमें से सबसे पहले अपनी 2 इंच चौड़ी और 16 इंच लंबी पट्टी को यूज़ करेंगे। इसमें से हम अपनी बटन वाली पट्टी बना करके तैयार करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम अपनी ताबीज वाली पट्टी को पहले अलग रख देते हैं। अब हम अपनी कुर्ती में इसको अटैच करेंगे। किस साइड पर अटैच करेंगे ध्यान से सुनना। हम अपनी कुर्ती में इसे लेफ्ट साइड पर अटैच करेंगे। तो कुर्ती का हमारा राइट साइड ये है और लेफ्ट साइड ये है। हम अपनी कुर्ती का सीधा भाग मशीन के नीचे इस तरीके से सेट करेंगे। ये हमारी कुर्ती का दोस्तों सीधा भाग ऊपर की तरफ सेट हो गया है। अब इसके बाद हम अपनी पट्टी को इस तरीके से, देखिए ये हमारा कट लगा हुआ है, 2 इंच नीचे की तरफ निकाल करके सेट करेंगे। पट्टी भी हमारी दोस्तों ऊपर की तरफ सीधी रखी हुई है और इसमें 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर तक सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, हमने 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए अपनी पट्टी को अटैच कर दिया है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरीके से तिरछा। ये देखिए, सिर्फ हमने अपनी सिलाई तक ही इसको कट को लगाया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को कुर्ती की तरफ को टर्न करेंगे, मतलब कि देख लीजिए ये मार्जिन हमारा कुर्ती की तरफ को आ गया है। और इस तरीके से नाखून लगा लेंगे जिससे कि हमारा मार्जिन एक बराबर सेट हो जाए। ये सेट हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी पट्टी को भी अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी पट्टी में ये किनारा लिया हुआ है। अगर आपकी पट्टी में किनारा नहीं है तो पहले आप इसे एक बार फोल्ड कर लें पक्का करके। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में 1/2 इंच बाहर की तरफ नज़र आएगी ये पट्टी, इस तरीके से सेट करेंगे। और यहाँ पर हम अपनी किनारी पर सिलाई लगाएंगे, मतलब कि अपनी कुर्ती के कपड़े पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे।
अब इसके बाद दोस्तों आपकी सिलाई यहाँ पर कट तक आ गई है। अब आपको करना क्या है, मशीन को दोबारा वापसी सिलाई लगाते हुए लेकर जाना है, मगर जो आप सिलाई लगाएंगे वो क्वार्टर इंच का मार्जिन लेते हुए, मतलब कि चौड़ी लगाएंगे सिलाई, क्वार्टर इंच चौड़ी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी बटन वाली पट्टी बन करके कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी ताबीज वाली पट्टी को इसमें अटैच करेंगे। तो ताबीज वाली पट्टी बनाने के लिए आपको अपनी कुर्ती को इस प्रकार से उल्टा करना होगा, और उल्टा करने के बाद में आपकी बटन वाली पट्टी में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना होगा, और ऊपर की तरफ भी आपको इस तरीके से थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना होगा। ये हमने कट कर दिया है, और इसके बाद दोस्तों आप अपनी बटन वाली पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद में आप अपनी वो वाली पट्टी ले लें जिसमें आपको अपना ताबीज बनाना है। ये देखिए, ये हमने अपनी पट्टी को ले लिया है, और अपने कट से 3 इंच नीचे की तरफ सेट करके अपनी पट्टी को रख लें। तो ये हमने अपना 3 इंच पट्टी को नीचे की तरफ निकाल दिया है, और निकालने के बाद में देखिए ध्यान से, जो हमने अपनी पट्टी में 1/4 इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ है उसी मार्जिन को लेते हुए सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर देंगे। ये हमने अपना उसी मार्जिन पे टांकी बांध दी है जो हमने अपना छोड़ा हुआ है। इसके बाद हम अपनी ये वाली पट्टी को इस तरीके से बाहर की तरफ खोल देंगे, और खोलने के बाद में जितना हमने अपना मार्जिन छोड़ा हुआ है उसी मार्जिन पे सेम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है इसमें से हम अपने सबसे पहली परत को इस तरीके से यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने इसमें से इतना कपड़ा काट दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको करना ये है, जहाँ तक आपकी सिलाई लगी हुई है वहाँ तक आपको इस तरीके से तिरछा कट लगा देना होगा। ये देखिए जैसे हमने अपनी बटन वाली पट्टी बनाते समय लगाया था वैसे ही काज वाली पट्टी बनाते समय भी कट लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी पट्टी को इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में ये जो मार्जिन है ये मार्जिन हमारा अब इधर की तरफ रहेगा। पहले वाला मार्जिन हमने अपनी कुर्ती की तरफ को रखा था, अब ये वाला इधर की तरफ रखेंगे और नाखून लगाकर पक्का कर देंगे। अब हम अपनी कुर्ती को इस प्रकार से सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद में अपनी पट्टी को अपने मार्जिन को छुपाते हुए इस तरीके से सेट करेंगे, और किनारी की सिलाई लगाकर अपने ताबीज को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई वहाँ आकर रुक गई है जहाँ तक हमारी कुर्ती का कट था। इसके बाद हम अपने बटन वाली पट्टी को इस तरीके से इसके नीचे सेट करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से सही से इसके नीचे सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी टांकी बांधेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए नीचे की तरफ आप देख रहे हैं हमारी ये 3 इंच लंबी पट्टी निकली हुई है। इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जितना भी आपको ताबीज लंबा चाहिए तो लंबा सेट कर लें, छोटा चाहिए तो छोटा सेट कर लें। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, और छोटा करने के बाद में इसमें हम अपनी ताबीज की नोक बनाएंगे। तो नोक बनाने के लिए आपको किस प्रकार से अपने कपड़े को फोल्ड करना होगा, पहले अपने कपड़े की एक साइड फोल्ड करें और फिर दूसरी साइड फोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से रख कर देख लें आपकी जो नोक है इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। बस तो ये देखिए हमारी यहाँ पर नोक एक बराबर आ रही है। ये देखिए हम इसको सिलाई लगाकर बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। अब तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी ताबीज बन करके कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आपको करना ये है, अपने ताबीज में एक पैर की सिलाई बराबर में जो टांकी बांधी है और लगा देनी होगी इसके ऊपर इस तरीके से, जिससे कि आपके ताबीज की जो खूबसूरती है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब आपको करना ये है, अपने ताबीज की दूसरी किनारी पर भी एक किनारी की सिलाई लगा देनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी बटन वाली पट्टी को इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर देना होगा। अब आप किनारी की सिलाई आसानी से लगा सकते हैं। तो ये हमने अपनी किनारी की सिलाई लगा दी है। इसके बाद नीचे की तरफ आपके जो धागे हैं एक्स्ट्रा उनको कट कर दें। तो ये हमारा ताबीज बन करके कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आज का हमारा ये ताबीज बनाने का डिज़ाइन आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें।
दोस्तों ये मार्जिन भी आपको मिलाकर सेट कर देना है इस तरीके से। अब आप अपनी कुर्ती में आसानी से कॉलर चढ़ा सकते हैं। हमारा आज का जो मेन पर्पस था वो आपको सिखाना था ताबीज बनाना, तो हमने आपको ताबीज बनाना सिखा दिया है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फ़ोटो डालते रहते हैं, वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।